सत श्रीकाल दोस्तों, मैं थोड़ा शब्द अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। दोस्तों असी अज की इस वीडियो दे विच दफ्तर डायरेक्टर सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों लेटेस्ट अपडेट शेयर कर जा रहे हैं, जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ की ट्रांसफर पॉलिसी 2020 जारी की गई है डिपार्टमेंट वालों, जिसका ट्रांसफर सैल तुम देख सकते हो। इसका जो मीमो नंबर है और मिति 7 जून 2022 का ये लैटर दफ्तर डायरेक्टर सिक्ख्या विभाग वालों जारी किया गया है। इस वीडियो में सारी डिटेल असी डिस्कस करांगे। तो वीडियो शुरू करने तो पहला, अगर तुसी इस चैनल पर नवे हो, अभी तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल को सबसक्राइब करो, तो इसके नाल बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इनफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। तो इसके नाल ही नंबर 1 ते है कि पंजाब सरकार सिक्ख्या विभाग के नोटिफिकेशन नंबर तुसी देख सकते हो, जो कि मिति 27/5/2020 राही अध्यापक दी नॉन टीचिंग स्टाफ ट्रांसफर पॉलिसी 2020 जारी की गई सी, जिस दे विच साल 2022 ते 23 यानी कि 2022 और 2023 दौरान जो सिक्ख्या विभाग अधीन काम कर रहा नॉन टीचिंग स्टाफ, जिदे विच सुपरिटेंडेंट, सीनियर सहायक, जूनियर सहायक, क्लर्क, SLA, लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी रिस्टोर पॉलिसी अनुसार कवर हुंदे हन अते बदली करवाना चाहते हैं, वो अपने वेरवे जनरल डिटेल सर्विस रिकॉर्ड मिति 8 जून 2022 तो 10 जून 2022 तक ई पंजाब पोर्टल ते अपने इंप्लॉई लॉगिन ID ते लॉगिन करके भर सकते हैं। वेरवे केवल ऑनलाइन ही भरे जा सकते हैं। नंबर 3 ते है दरखास्त वालों अपनी प्रति बेनतियां संबंधी बक बक मेडूल भरे जाने हैं, जो कि हेठ लिखे अनुसार हैं। सब तो पहला नंबर ते है अपडेट जनरल डिटेल्स होएगी, उस तो बाद तुसी अपडेट करोगे सर्विस रिकॉर्ड, उस तो बाद है कि उपरोक्त मेडूल विच मुकम्मल वेरवे भरन उपरांत अप्रूव डेटा दा बटन क्लिक किया जाना है। दरखास्तकर्ता जिन्हां ने वक वक जोनां विच सेवा कीती है, वह डाटा अप्रूव करन तों पहला इस गल दा विशेष ध्यान रखन कि उन्हां वल्लों वक वक जोनां विच कीती सेवा अते सिक्ख्या विभाग विच कीती गई कुल सेवा दे समें विच अंतर नहीं होना चाहिदा है। जेकर किसी कारण अंतर है तो वह इस संबंधी रिमार्क्स देंगे। रिमार्क्स विच ठोस कारण ना होन दी सूरत विच संबंधत नूं बदली लई विचारिया जाएगा। उस तो बाद है बदली संबंधी दरखास्तां विच भरे गए डाटा नूं अप्रूव डाटा दा बटन क्लिक करन तो बाद भी अंतिम मिति 10 जून 2022 तक डाटा एडिटिंग जिन्नी वार मर्जी कीता जा सकेगा, परंतु अंतिम मिति उपरांत डाटा विच कोई भी तब्दीली नहीं हो सकेगी। उस तो बाद नंबर 6 दे है अधूरे जां गलत वेरवे पाए जान ते संबंध दी बदली दी बेनती विच बेनती ते विचार नहीं कीता जाएगा। नंबर 6 नूं रिपीट कर रहे हैं कि अधूरे जां गलत वेरवे पाए जान ते संबंधत दी बदली दी बेनती ते विचार नहीं कीता जाएगा। नंबर 7 दे है अजिहे दरखास्तकर्ता जिन्हां दी शिकायत प्रबंधकी आधार ते बदली कीते जान उपरांत मौजूदा तैनाती वाले स्थान ते 3 साल दा समा पूरा नहीं होया, उन्हां नूं बदली लई विचारिया नहीं जाएगा। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है। उस तो बाद नंबर 8 दे है कि एग्जेम्प्टेड कैटागरी या स्पेशल कैटागरी अधीन
ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਵੇਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਬਦਲੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲੀ ਲਈ ਡਾਟਾ ਕੇਵਲ ਮਿਤੀ 8 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ MIS ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀ। ਤੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।